प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार। आज कक्षा 10 का गणित, जिसमें द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके हम आज 7 क्वेश्चन 8 लेकर आए हैं, जो आप देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये हर वर्ष यानी गत वर्षों में आए हुए हैं और संभावित है ये प्रश्न 80% 90% आ सकते हैं और चांस इनके बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से एक सवाल बोर्ड में 100% मिलेगा बेटा। तो यहाँ पर दिया गया है पी एक्स बराबर यदि पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। जब पी एक्स बराबर जीरो हो तब यह एक द्विघात समीकरण हो जाता है बेटा। जब इसमें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब तक तो ये रहेगा एक बहुपद, और जैसे ही इसमें एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो किया तो इसे द्विघात एक समीकरण हो जाएगा। तो जहां इसे द्विघात समीकरण व्यापक रूप भी कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए इज नॉट बराबर जीरो या ए के बराबर कभी जीरो नहीं होगा, जैसे जीरो है रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं। तो बेटा मैंने सवाल लिए हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल हैं, SHORT शॉर्ट ट्रिक ये सवाल चलेंगे इस पर। तो इसमें दिया है 1/(x²-2) बराबर 1/7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम ऑब्जेक्टिव से ही विकल्प से ही हल करना सिखाएंगे कि कैसे आप 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल हल कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम विकल्पों में रखते हैं 1/(2) रखते हैं प्लस माइनस 2, तो इसमें अगर हम 1/(2) का वर्ग करेंगे तो माइनस 2 और बराबर 1/7 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, मत हल करिए इसके लिए। फिर हम मान रखते हैं 3 3 3 9। अगर हम इसमें इतना सॉल्यूशन ले रहा हूं 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस के 2, तो किसके बराबर हो रहा है? 1/3 = 9। 1/9 - 2 किसका हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बच्चे को नहीं आता है, अगर वो ऑब्जेक्टिव से नहीं करना सीखता है, दोनों विधियां आप लगा के चेक कर लीजिए बेटा। ऐसे देखते हैं, 1/(x²-2) बराबर 1/7, कैसे गुणा कर दीजिए? तो 7/(x²-2), तो बेटा इधर ले जाइए 7+2/(x²), तो 9x², रूट लगा लीजिए 9 पर और x² कर दीजिए। अब इसका प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3। तो बेटा ये भी आपका सही है। चाहे और विकल्प करिए और चाहे आप लॉन्ग मेथड करिए, दोनों मेथड आपके लिए। अब इसी पर बेटा हम अगला देखते हैं, इसी जगह हम काम चलाएंगे। द्विघात समीकरण x²-4 = 0 का एक मूल है। तो बेटा हमारा जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैसे भी जीरो करो, अगर इनमें जीरो रखते हैं तो नहीं होगा, प्लस माइनस 2 रखते हैं तो इसमें जैसे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 का वर्ग यहाँ रखोगे, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, और 4 = 4 - 4 = 0 हो गया। तो विकल्प हमारा कौन सा? ये सही है। अगर इसे लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो बेटा x²-4 = 0, तो x = 4 इसका वर्गमूल लेंगे √4, तो इसका प्लस माइनस 2 हो जाएगा बेटा। तो चाहे किसी मेथड से करिए, दोनों मेथड, अगर आप विकल्प से जल्दी करते हो, ऑब्जेक्टिव से विकल्प से जल्दी कर लेते हो, तो आपका टाइम की बचत हो जाएगी बेटा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, 3/(x-2x) और 2/(x) ये भी हो जाएगा। अब हम इसको देखो हल करके दिखाते हैं इतने बीच में सवाल। 3/(x-2x) = 2/(x), अब इसे पक्षांतर करो, 3/(x) और माइनस के 2/(x) = 2x, ये इधर गया और ये इधर लाइए। अब 3 हर समान हो गए, 3 - 2/(x) = 2x, अब कितना बचा? अब यहां पर आया 1/(x) = 2x, अब इसको इधर नीचे ले आओ, x को इधर भेज दो, तभी क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ हो जाएगा एक एक बटे दो बराबर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक बटे दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक बटे दो। तो अब इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो एक्स बराबर अंडर एक बटे अंडर रूट दो, यानी आप चढ़ाओगे प्लस माइनस एक बटा अंडर रूट दो हो जाएगा, तो इस पे अंडर रूट प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस एक बटा अंडर रूट दो, तो प्लस माइनस एक बटा अंडर रूट दो, तुम्हारा जे वाला विकल्प ए वाला सही हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आई एम पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जे, हम देखते हैं बच्चे बहुत परेशान इसके लिए हो जाते हैं, गुरु जी क्या करें किधर से ले जाए इसके लिए। इसमें दिया है पांच, चौथे नंबर का सवाल है, चौथे नंबर जी सवाल है, यहां पर करते हैं यू करके, तो चौथे नंबर का सवाल है पांच इन ब्रेकेट एक्स माइनस पांच एक्स प्लस पांच बराबर पचपन, सबसे पहले पांच से भाग कर दिए ग्यारह आ गया, एक्स माइनस पांच एक्स प्लस पांच ये किसका सूत्र होता है मालूम है, योगांतर होगा, तो इसे लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस बराबर ग्यारह। अब एक्स स्क्वायर बराबर उधर ले जाइए, ग्यारह प्लस पच्चीस कितने हो गए छत्तीस, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गए छत्तीस, इसका वर्गमूल है अंडर रूट छत्तीस, छत्तीस का हो गया प्लस माइनस छः, तो कहाँ पर है प्लस माइनस, ऑप्शन सी सही आपका है। अगर विकल्प से करना चाहते तब भी हो जाएगा, इसमें मान रख रख चेक कर लीजिए पचपन आपका आ जाए, कैसे भी आए। अब देखो छः, छः में से पाँच गए एक, और छः पाँच ग्यारह, ग्यारह पंजे पचपन, अरे भाई देख लीजिए आप नहीं समझ रहे, तो छः माइनस के पाँच और छः प्लस के पाँच, तो छः में से पाँच गुणा एक, एक हो जाएगा छः की गुणा ग्यारह पंजे पचपन, वो भी ऐसे लग रहेगा आप कैसे ही लगाए। अब इसमें पांचवा सवाल है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी बराबर जीरो का एक मूल माइनस टू है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए, अब एक मूल माइनस टू है, तो इस समीकरण रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स माइनस पी बराबर जीरो, अब एक मूल एक्स बराबर कितना दिया माइनस दो, रख दो इसमें, तो माइनस दो का वर्ग प्लस टू और माइनस टू माइनस पी बराबर जीरो, चार माइनस पी बराबर जीरो, तो पी बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अगर इसमें से कोई मान आपका जैसे दो दिया है, कितना दिया है दो, तो सॉरी पी का मान पूछ रहा है, हाँ माइनस दो तो है, तो पी का मान जीरो हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिए, इसमें अगर एक पी का मान यहाँ रखोगे, इसमें रखो एक, तो पी का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आपका आ जाए, दोनों विधि यूज कर सकते हो। यह द्विघात समीकरण का पी एम एक्स स्क्वायर प्लस के तीन एक्स प्लस टू, तो एक्स का मान दो होगा या माइनस टू होगा, तो एम का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें से हम मान विकल्प से भी चेक करके हम एक बटे दो रखे चेक करते हैं, देखो तो इसमें आ जाएगा, इधर देखिए एम एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो इसको देख चेक कर ले इसको, तो एम ए माइनस एक बटे दो का होल स्क्वायर प्लस के तीन माइनस एक बटे दो प्लस टू बराबर जीरो, तो एम बटे चार और माइनस के तीन बटे दो प्लस टू बराबर जीरो, तो एम बटे चार माइनस के तीन बटे दो, इसमें दो के ऊपर नीचे गुणा प्लस के चार के ऊपर नीचे गुणा बराबर जीरो, एम बटे चार और माइनस के छः प्लस के चार बटे चार बराबर शून्य, उधर ले जाओ एम बटे चार और छः माइनस के, इसमें बचेंगे माइनस दो बटे चार बराबर शून्य, तो एम बटे चार बराबर दो बटे चार, तो चार से चार कट जाए, एम का मान दो आएगा बेटा, कितना आएगा दो आएगा, जी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही है। अब दो भी चेक कर सकते थे। अब उसने सातवां सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस के बराबर जीरो मूल, इसके मूल ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आपको बेटा गुणनखंड आना चाहिए, क्या आना चाहिए गुणनखंड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं चाहे चेक करके रख लो, इसमें शॉर्ट भी विधि बताएंगे, तो देखो लंब विधि देखो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस तो बराबर जीरो, तो इसके फैक्टर करो पाँच दूनी दस, तो एक्स स्क्वायर माइनस के पाँच एक्स प्लस के टू एक्स माइनस दस बराबर जीरो,
तो हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन लेंगे एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस पांच प्लस के टू एक्स माइनस के पांच बराबर जीरो। तो हम दो एक इसका जोड़ा बन गया, इसको इसके साथ लेते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पांच और एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब एक एक करके कर दीजिए, एक्स माइनस पांच बराबर जीरो तो एक्स बराबर पांच, ये दूसरा रूट ले लीजिए एक्स प्लस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस दो। अब देखो पांच कामा माइनस दो आया, बी वाला विकल्प सही है। अब इससे भी जो मान आ गया, शॉर्ट ट्रिक देखो, पचम इसका हो जाएगा पचम पच्चीस, यानी एक्स के मान दो हो जाएंगे, इसको चेक करिए जीरो कैसे करते, जीरो करते पचम पच्चीस और माइनस के तीन गुणा पांच और माइनस के दस पांतियां पंद्रह, पंद्रह दस पच्चीस, पच्चीस माइनस पच्चीस बराबर जीरो। तो देखो इसने संतुष्ट कर दिया। अब माइनस दो भी जीरो कर देगा पूरी समीकरण के लिए, पूरी समीकरण को माइनस एन माइनस दो भी शून्य कर देगा। देखो दो दूनी चार और माइनस के यानी प्लस के तीन दूनी छः और माइनस के दस, छः चार दस, दस में से दस गए शून्य हो गया। तो ये भी दोनों मूल आपके से, अगर इनमें और विकल्प से चेक करोगे तो जल्दी हो जाता है, चाहे अगर आता होगा तो लॉन्ग से भी कर सकते हो। ये सवाल दूसरा सवाल है लास्ट का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह द्विघात मूलों का योग पर दो पदों उसमें चलता है, बहुपद में भी बेटा चलता है और द्विघात समीकरण में चलता है। द्विघात समीकरण में इसमें जीरो कर दो, द्विघात बहुपद में जीरो हम नहीं करते हैं। तो देखो भाई हम जानते हैं द्विघात बहुपद का द्विघात मूल है, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा बराबर शून्य। अब बेटा देखो इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया सात इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया बारह बराबर जीरो। तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के बारह बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के बारह बराबर जीरो, देखो कहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के बारह बराबर जीरो, जी विकल्प आपका सही है। चाहे तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ही रख देते हैं, ऐसे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के बारह बराबर जीरो, सूत्र होता है। तो बेटा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर से दो नंबर में प्रोवाइड किए जाते, कभी कभी दो नंबर में डाल देते सवाल।